गाइस मेरा बुक ले दिया हो हिंदी का वेलकम ऑन लुसेंट। हाँ समास हमने पढ़ लिया है, समास से कुछ अगर भेद बचे हैं हम लोग और पढ़ लेते हैं। आरजीएस जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहा उस पर हमारी चर्चा परिचर्चा है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक जो भी इसमें हमारे पास है रिक्वायर्ड। कल हमने पढ़ा था समास के बारे में, जो ये देखिए हाँ ये हो गया था समास हो गया था। अब इसमें कुछ कुछ हम टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे कि जैसे कर्णधार और बहुव्रीही में अंतर, कर्मधारय एवं फाइन आउट कर लेते हैं। कर्मधारय एवं बहुव्रीही, कर्मधारय एवं बहुव्रीही में अंतर, ये दोनों समास। इसके समस्त पद की संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है चक्रधर। जैसे कि क्या होता है बहुव्रीही में चक्रधर को अगर देखें तो चक्र को धारण करने वाला, मतलब तीसरा एक अर्थ निकलता है चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण जी। ये देखिए अलग अर्थ आ रहा है, दो पदों का जो अर्थ तीसरे पद पर जाता है तो ये बहुव्रीही है। और अगर हम यहीं पर कर्णधारय की बात करें तो नील गगन, इसका क्या एग्जाम्पल है नील गगन, ध्यान दीजिए बच्चों नील गगन, तो इसमें नील क्या है विशेषण है, ध्यान से देखिए नील क्या है विशेषण है और गगन विशेष, गगन क्या है विशेष है, नील गगन में नील विशेषण है गगन विशेष है। तो ये हो गया आपका चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान। देखिए जैसे हम चरण कमल, चरण उपमेय और कमल उपमा, ठीक है नील गगन। अब देखिए चक्रधर चक्र को धारण करने वाले अर्थात, अब मैं आपको बता दे रहा हूं ये श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण जी सुदर्शन धारण, अब जैसे लंबोदर बहुव्रीही का देख लीजिए लंबोदर मोटे पेट वाले, तो अर्थात कर्णधारय समास मोटे पेट वाले कर्णधारय समास। लेकिन अर्थात अगर इसका अर्थ लगाया जाए चक्रधर का तो चक्र को धारण करने वाले अर्थात तीसरा पद जो आ रहा है वो महती भूमिका, तो तीसरा पद की जब भूमिका आएगी उस समय, लेकिन जब विशेषण और विशेष्य हो दोनों नीला है गगन नील गगन तो कर्णधारय मोटे पेट वाले कर्णधारय समास हो लंबोदर। और अगर इसको हम देखें लंबोदर को एक और अर्थ से जैसा कि मैं आपको बताने वाला था तो एक और अर्थ हो सकता है लंबा है उधर जिसका, मतलब ये दोनों में काम करेंगे। लंबा है उधर जिसका गणेश, गणेश तो ये किसके लिए काम करने लगेगा तीसरे पद के लिए, ये हो जाएगा यहां पर बहुत टेक्निकल चीज को आप समझे क्या था। तो ये समास के अंतर है, ये बहुव्रीही हो गए क्योंकि तीसरे पद का प्रभाव नील गगन में नील गगन, ये कर्णधारय चरण कमल, चरण और कमल उपमेय उपमान, कर्णधारय लंबोदर मोटे पेट वाला कर्णधारय, और अगर दूसरा अर्थ लगाया अर्थात गणेश जी तो बहुव्रीही।
द्विगु बहुव्रीहि में अंतर, द्विगु बहुव्रीहि में संख्यावाचक, द्विगु क्या होगा संख्यावाचक, द्विगु क्या होगा बच्चों संख्यावाचक होगा, आपको स्पष्ट दिख रहा है? दिख तो रहा है। द्विगु क्या होगा संख्यावाचक, ध्यान दीजिए। और बहुव्रीहि में विशेषण होते हुए भी कभी भी एक पद विशेषण रहेगा, कभी भी संख्यावाचक नहीं रहेगा। कभी भी संख्यावाचक नहीं रहेगा बहुव्रीहि, लेकिन द्विगु क्या रहेगा संख्यावाचक रहेगा। बहुव्रीहि का विशेषण होते हुए भी इनका पद विशेषण भी रहेगा, कारण धारा बहुव्रीहि का द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण द्विगु का संख्या रहेगा एक दो तीन चार, और दूसरा पद विशेष, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण का कार्य करता है, ये संख्यावाचक नहीं रहेगा समस्त पद विशेषण, समस्त पद विशेषण हो गया तो बहुव्रीहि। जैसे चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, आप द्विगु और कर्म धारा में देख लेते हैं अंतर। द्विगु और कर्म धारा में अंतर, पहला पद द्विगु का हमेशा संख्यावाचक, ध्यान दीजिए, पहला पद द्विगु का हमेशा संख्यावाचक, भेद यहां दिखाना है कर्म धारा के साथ, द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण और दूसरे की गिनती बताता है, दूसरे पद की गिनती बताता कौन द्विगु समास, कर्म धारा। अब कर्म धारा को देखिए, एक पद विशेषण लेकिन किसी भी कीमत पर संख्यावाची नहीं, एक पद विशेषण संख्यावाचक, होते भी संख्यावाचक कभी नहीं, होते भी कभी संख्यावाचक नहीं रहता, कभी भी संख्यावाचक नहीं रहता, लेकिन द्विगु क्या करता है हमेशा संख्यावाचक और दूसरे की गिनती बताता है अपने दूसरे पद की। कर्म धारे क्या करता है, एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, विशेषण बन प्रयोगार्थ, प्रयोग के लिए उपयोग किया जाने वाला, और कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, कर्मधारय में कोई पद दूसरे का विशेषण, कैसे ऐसे। अब देखिए कर्मधारय की बात हो रही है, नील गगन, नील गगन कोई भी विशेषण, नील भी विशेषण गगन भी विशेषण हो सकता है, चरण कमल, चरण भी विशेषण और कमल भी विशेषण हो सकता है, इस तरीके से आएगा यहां पर कर्मधारय का। संधि और समास में क्या डिफरेंशिएशन है, अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्द समान हैं, दोनों का अर्थ मेल है, दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं, संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का मेल है, समास शब्दों का मेल है, शब्दों का मेल समास, वर्णों का मेल संधि, शब्दों का मेल समास, वर्णों का मेल संधि, और वर्णों को योग से वर्ण परिवर्तन होता है संधि में, वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन, वर्णों के मेल से वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन,
वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन समास में संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन लेकिन ऐसा समास में नहीं होता। तीसरा डिफरेंशिएशन समास में बहुत पदों के बीच कारक चिन्हों का समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। इसमें समास में क्या लिख देता हूं बहुत से पदों के बीच ध्यान दीजिएगा समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों या समुच्चय बोधकों या समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है मतलब वो विलुप्त हो जाते हैं भले ही अर्थ हो लेकिन दिखने में लोप है लोप हो जाता है। विद्याधन आलय विद्यालय संधि का एग्जाम्पल ये है लेकिन राजा का पुत्र समास में क्या रहेगा राजा का पुत्र समास इस प्रकार से है राजपुत्र इसमें धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं राजपुत्र राजा का पुत्र राजपुत्र तत्पुरुष समास ये समास है। संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। समास के पदों को जब अलग करते हैं तो उसको समास का विग्रह कहते हैं और संधि जब होता है तो उसका विच्छेद होता है टूटता है। जैसे समाज विग्रह को देख लीजिए आप कुछ जैसे कि अगोचर क्या हम कह रहे हैं अगोचर न गोचर विग्रह क्या है इसका अगोचर का विग्रह है न गोचर और ये समास कौन सा है नच समास। अब जैसे हम करते हैं आशालता देख लीजिए आशालता हमारा सामासिक पद है ध्यान दीजिए आशालता तो आशा रूपी लता इसका विग्रह क्या है आशा रूपी लता ये कौन सा समास है कर्मधारक दोनों पद विशेषण एक पद विशेषण होते हुए भी सभी कभी भी संख्यावाचक नहीं और कोई पद भी एक दूसरे का विशेषण का रोल अदा कर सकता है वो है कर्मधारय। कर्मधारय को ध्यान दीजिएगा बहुव्रीहि के साथ बहुव्रीहि में दोनों पद से भिन्न कोई तीसरा पद यहां पर मान्यता ले आता है जैसे कि चक्रधर चक्र को धारण करने वाला था श्री कृष्ण भगवान। और यहीं पर अगर कर्मधारय की बात करेंगे तो नील गगन नील और गगन दोनों विशेषण विशेषया विशेषण विशेषण की अपनी माता को प्रकट करते हुए यहां पर अपने गुण को परिलक्षित कर रहे हैं। जैसे कपोत ग्रीवा अब यहां पर एक हमारे पास आया है समास विग्रह कपोत ग्रीवा क्या है सामासिक पद है कपोत ग्रीवा कपोत के समान ग्रीवा अब इसका विग्रह क्या है कपोत के समान ग्रीवा मतलब गर्दन ये कंठ गर्दन कपोत के समान ग्रीवा तो कपोत के समान ग्रीवा दोनों ही विशेषण कोई एक विशेषण ही लेकिन संख्यावाची कभी नहीं कर्मधारय कर्म है। वीणा पाणी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं
हमने सारा समासिक पद उसके भेदों को पढ़ लिया। जैसे बीड़ा पानी है हमारे पास, बीड़ा है हाथ में जिसके, पानी में जिसके, बीड़ा है इसका विग्रह है पानी यानी हाथ में जिसके, बीड़ा है हाथ में जिसके वह बताइए सरस्वती कौन, वीणा पानी, वीणा है पानी में हाथ में जिसके वह सरस्वती। तो जब वीणा है पानी में जिसके दोनों पद से भिन्न कोई तीसरे पद की मात्रा बहुव्री, बहुव्री सॉरी ऐसे होता है बहुव्रीही, बहुव्रीही समास। वीणा पानी समास विग्रह, वीणा है पानी में यानी हस्त में हाथ में जिसके वह सरस्वती बहुव्रीही समास। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समास का हमने आज पूरा लेक्चर आपको दे दिया है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 प्रश्न हिंदी अनिवार्य समान हिंदी और हिंदी होकर हिंदी व्याकरण अनिवार्य समान हिंदी के 15 क्वेश्चन राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। अब यहाँ पर हम लोग पूरा समास खत्म कर चुके हैं। कर्मधारय और बहुव्रीही समास के बीच भेद की बात करते हैं, उसमें अंतर। कर्मधारय समास और बहुव्रीही समास में अंतर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, ये बहुव्रीही को इंगित करता है। क्या इसमें है, दोनों पद से भिन्न कोई तीसरे पद की अर्थ यहां निकलता है। नील गगन, नील गगन, नीला है गगन, नील गगन, दोनों विशेषण की विशेषता लेते हुए लेकिन कहीं पर भी संख्यावाची नहीं, ये कर्मधारय। चरण कमल, चरण उपमेय और कमल उपमान, चरण कमल। इसके बाद आपका मोटे पेट वाला, मोटे पेट वाला क्या होगा, कर्मधारय समास। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, तो ये बहुव्रीही के भी चीजों को देखिए। पहले लंबोदर को हमने किया मोटे पेट वाला, यह आ गया किसमें, कर्मधारय में। लेकिन वही लंबोदर को फिर से हमने किया एक बार कि लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, तो ये बहुव्रीही को इंगित कर रहा है। एक बार कर्मधारय को इंगित कर रहा है और एक बार बहुव्रीही को इंगित कर रहा है, तो ये लंबोदर दोनों में ही काम करेगा। अब दिगु और बहुव्रीही में देखिए, दिगु में संख्यावाचक विशेषण, बहुव्रीही में विशेषण होते, विशेषण समस्त पद, कभी भी संख्यावाचक की बात नहीं, केवल विशेषण समस्त पद। इनका बहुव्रीही का पूरा विशेषण समस्त पद हो जाता है, दोनों पद से भिन्न कोई तीसरा अर्थ, तीसरा पद आ जाता है, तो विशेषण समस्त पद है। दिगु संख्यावाचक विशेषण प्रथम पद, और दिगु कर्मधारय की बात करें तो दिगु में विशेषण बनाकर प्रयोग करते हैं हमेशा संख्यावाचक, संख्यावाचक का पहला तो विशेषण के रूप में प्रयोग होगा दिगु में, और दूसरे की गिनती को बताता है हमेशा पहला पद। दिगु में क्या है, विशेषण बनता है पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण, और अपने दूसरे पद की गिनती को वो हमेशा इंगित करता है, बताता है। लेकिन वहीं पर कर्मधारय की बात करें, देखिए एरो लगाया हमने, एक पद विशेषण होते हुए भी कभी भी संख्यावाचक नहीं, और कोई भी पद इसका दूसरे का विशेषण हो जाता है, किसमें, कर्मधारय में। जैसे कि गगन नील गगन, नील गगन नीला गगन, दोनों विशेषण। चरण कमल में उपमान, दोनों विशेषण के तरीके से प्रयोग करता है, तो ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, संधि और समास की बात, शब्दों का मेल समास, वर्णों का मेल संधि,
वर्ण परिवर्तन योग से, योग से वर्णों में परिवर्तन संधि में, लेकिन समास में आता नहीं। योग से वर्ण में परिवर्तन, योग से वर्ण में परिवर्तन करती है संधि, लेकिन समास ऐसा कोई भी व्यवहार प्रकट नहीं करता। समास शब्दों का मेल है, संधि वर्णों का मेल है। जैसे कपोत ग्रीवा, कपोत के समान ग्रीवा करण धारय, राजा का पुत्र राजपुत्र तत्पुरुष, वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके वह सरस्वती बहुवी तीसरे पति प्रधानता, अगोचर न गोचर नज समास, आशा लता आशा रूपी लता कर्णधारय समास। कर्णधारय में दोनों विशेषण देखिए यहां, दोनों पद विशेषण, कोई भी पद संख्यावाची नहीं, दिगु में संख्यावाची और विशेषण दोनों पद, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरे की काउंटिंग को बताता है, गिनती को बताता है। आज का लेक्चर बच्चों को कैसा लगा लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमटेरिया फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, कॉमटेरिया फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। हमारा समाज का पूरा लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम कोई नया व्याकरण का टॉपिक लेकर आरजेएस का लेकर आएंगे, और इसी तरीके से आप लोग का मनोबल बढ़ा रहे। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर मैं फिर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, काग चेष्टा कुल, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जय हिंद, जय भारत। हमारा महत्वपूर्ण मोटो है स्टडी सिलेक्शन तक, भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।